डॉक्टर पेचिस, दो बार अमेरिका रिटर्न, दो बार इंग्लैंड रिटर्न और एक बार तिहाड़ रिटर्न। यहाँ पर हर तरह की बीमारी और हर तरह के इंसान का इलाज किया जाता है। कृपया लाइन में आए और धक्का मुक्की ना करें। बाप रे बाप, डॉक्टर साहब का बोर्ड इतना लंबा इतना चौड़ा है कि पढ़ते पढ़ते दमा का बीमारी उकट गया यार। दमा का बीमारी? अरे जिस तरह से ये खांस रहा है, हमको तो लगा कि टीबी हो गया इसको। हमको तो लगा कि कुकुर खांसी हो गया है। जिस तरह से ये खांस रहा था, हमको तो लगा कि कोई कुत्ता खांस रहा है। कुत्ता। कौन सुअर हमको कुत्ता बोला रे? कौन बोला? तुम बोला क्या रे? हम पर काहे भड़क रहे हो? हम तो टीबी बोले, टीबी। और टीबी तो किसी को भी हो सकता है ना, कुतुबों को हो सकता है। कुतवा को हो या बिलैया को हो या चाहे मुसुवा को हो, हमको नहीं हुआ है टीबी, हमको दमा हुआ है। दमा, इसमें हमको दम फूलने लगता है, खांसी आने लगती है, हम हाफने लगते हैं। हाफने? हाफने लगते हो? अरे दे दे दे, ये तो बहुत बुरा बात हो गया यार। भगवान तुमको बहुत बुरा किए, बहुत अन्याय कर दिए यार तुम्हारे साथ। तुमको टीबी हुआ रहता तो ज्यादा अच्छा था। ये क्या बकवास कर रहे हो बे? होश में नहीं हो का? एक लाफा मारेंगे उल्टा हाथ घुमाकर कि सारा बत्तीसी बाहर आ जाएगा, होश ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। देखो मेरा होश बिल्कुल ठिकाने है, हम बकवास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तुमको नहीं सुनना है तो मत सुनो, नहीं बताएंगे। लेकिन तुमको टीबी हुआ रहता तो ज्यादा अच्छा था। ए, सुनो, तुम बताओ, तुम कुछ बताने जा रहे थे ना, अब बताओ हमको, हम सुनेंगे। नहीं, तुम बताओ, आज हम पूरा सुनेंगे कि सारा तुमको ऐसा कौन सा ज्ञान का बात मालूम है जो हमको नहीं पता है। तुम बताओ, हम सुनेंगे, बताओ। अरे जाओ, नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे? बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो तुम्हारा यहीं पर पूजा करेंगे और यहीं पर आरतियां उतारेंगे। आरती के बाद प्रसाद भी मिलेगा क्या? काहे नहीं मिलेगा, पहले तुम्ही को मिलेगा फिर इसको मिलेगा। महाराज बता काहे नहीं रहे हो, कौनो दिन मुहूर्त तिथि का इंतजार कर रहे हो का? देखो टीबी का इलाज 3 महीना चलता है और बीमारी ठीक भी हो जाती है, लेकिन दमा का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज जिंदगी भर चलता रहता है और दमा दम लेकर ही मानता है। इसीलिए कह रहे थे कि अगर तुमको टीबी हुआ रहता तो ज्यादा अच्छा था। देखो कायदे से समझा रहे हैं, ये जो तुम्हारा नाना दादा वाला ज्ञान है ना, ये अपने पास ही रखो और ज्यादा बांटो मत। कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। बांटेंगे तो क्या करोगे, मारोगे? मारेंगे नहीं, उठाकर बजार देंगे जमीन पर। जो दूसरा टांग नहीं टूटा हुआ है ना, वह टूट जाएगा। और तुम्हारा मार मार के मुंह तोड़ देंगे। आई जो दूसरा आंख नहीं फूटा है ना तुम्हारा, अब वह फूट जाएगा। वाह अंकल वाह, बहुत अच्छा सुनाया अंकल। एक बार और सुनाओ ना अंकल, सुनकर मजा आ गया था अंकल। अंकल अंकल, एक बार और अंकल। ए अंकल अंकल, ओ हेलो अंकल, आंटी वाले अंकल, कुछ तो बोलो अंकल। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो अंकल? ओ अंकल अंकल अंकल, एक बार और सुनाओ ना अंकल, सुन रहे हो ना अंकल? अरे मर गया अंकल। मर गया अंकल? इतनी जल्दी? अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। बच्चे से झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती है तुमको? अंकल अंकल, ओ अंकल अंकल, सुनो ना अंकल। हाँ अंकल, बोलो अंकल, कुछ बोलना बच गया है अंकल, वो भी बोल दो अंकल। अंकल अंकल अंकल, सारा दिमाग खराब करके रख दिया है। अंकल तुम्हारा बाप सांप है क्या? हम देखने में सांप जैसा लग रहे हैं क्या? नहीं तो? तो हम सांप जैसा फन निकाल कर बैठे हैं क्या? हमको तो कोई फन नहीं दिख रहा है।
हम अपना मुंह से अपना जीभ लपर लपर बाहर निकाल रहे हैं क्या? नहीं, जीभ भी नहीं निकाले हो, बल्कि चिल्लाते हुए दो चार बार थूक जरूर दिए हो तुम। तो जब सांप जैसा कोई क्वालिटी मेरे में है ये नहीं है, तो हमारा बाप सांप कैसे हुआ बे? और हम सांप का बेटा कैसे हुए? हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, ये तुम्हारा अपना फैमिली मैटर है, तुम जानो। अरे अंकल, सांप का कोई बेटा थोड़े ना होता है। फिर क्या होता है? सपोला होता है अंकल, सपोला। अरे यार, ये टेप रिकॉर्डर फिर से चालू हो गया। अरे को चुप करवाओ इसको, नहीं तो मेरा हाथ फेल हो जाएगा। हाथ सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो फेल तो होगा ही ना। अरे मेरा मतलब है कि इस टेप रिकॉर्डर को चुप कराओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे टेप रिकॉर्डर नहीं है ये, तो क्या है ये? क्या है ये? बच्चा है। किसका है? मेरा है। तुम्हारा है? हाँ मेरा है। तुम्हारा है? हाँ मेरा है। पक्का है ना कि ये बच्चा तुम्हारा ही है? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का है, ये मेरा ही बच्चा है। कौनो सबूत है? हाँ है ना, आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल का आई कार्ड भी है, और सब पर फादर्स नेम में मेरा ही नाम लिखा हुआ है। इसके पास तो है, तुम्हारे पास है कि नहीं? क्या? आधार कार्ड। आधार कार्ड है तुम्हारे पास? हाँ है, मेरे पास आधार कार्ड है। तो तुम्हारे आधार कार्ड में फादर्स नेम के जगह पे अनाकोंडा लिखा हुआ है क्या? नहीं, अनाकोंडा नहीं लिखा हुआ है। फिर तो तुम्हारा बाप सांप तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। न सांप हमारा बाप है, न ही हम सांप के बाप हैं। सांपों से हमारा कोई दूर दूर तक का रिश्तेदारी नहीं है यार। फिर ये बच्चा काहे पूछ रहा था कि तुम्हारा बाप कोई सांप तो नहीं है? बच्चे से पूछो काहे बोल रहा था, हमको क्या मालूम। ए बच्चा इधर सुनो जी, तुम ऐसा काहे बोले कि इसका बाप कोई सांप है क्या? ये अंकल को मैंने कविता सुनाने को बोला, ये अंकल बोला कि मर गया अंकल, इसलिए मैंने इस अंकल को बोला कि अंकल तुम्हारा बाप सांप है क्या अंकल? बच्चा तुम बात तो बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि क्या बोले। सीधे सीधे बताओगे कि क्या बोले? झूठ बोलना पाप है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, पाप तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नदी किनारे सांप है? हाँ हो सकता है, नदी किनारे सांप बिल्कुल हो सकता है। अनाकोंडा भी तो सांप ही था ना, नदी किनारे रहता था। तो वही तो तुम्हारा बाप है। नहीं ये नहीं हो सकता है, इसके आधार कार्ड पर इसके बाप का नाम अनाकोंडा नहीं लिखा हुआ है ना, इसलिए ये नहीं हो सकता है। देखो बच्चा ये गलत बात है, बिना किसी का आधार कार्ड देखे किसी के बाप के बारे में ऐसा नहीं बोला करते हैं, समझे? चलो अंकल को सॉरी बोलो। ए अंकल, ओ अंकल, सॉरी अंकल। अंकल अगर आप मुझे वो वाली कविता सुना दोगे ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कुत्ता किसने बोला। किसने बोला था मुझे कुत्ता? अरे जाने दो ना, फिर से बच्चे के बात पे अपना दिमाग लगा रहे हो, फिर से तुमको कुछ बोलबाल देगा, फिर से तुमको आधार कार्ड दिखाना पड़ जाएगा। छोड़ो मटियाओ यार। पापा चुप रहो, नहीं तो मैं बता दूंगा कि इस दमा के मरीज वाले अंकल को कुत्ता किसने बोला। अरे बताना किसने बोला था मुझे कुत्ता। पहले कविता सुनाओ। कौन सी कविता? वही टूट जाएगा फूट जाएगा वाली। अरे सुना दो ना, बच्चा इतना जिद कर रहा है तो सुना काहे नहीं देते हो। अच्छा ठीक है सुना रहा हूँ। सुन मे लंगड़े, उठाकर यही पटक देंगे और जो दूसरा टंगड़ी नहीं टूटा है वह टूट जाएगा, और तुम्हारा मार मार कर मुंह तोड़ देंगे, और जो दूसरा आंख नहीं फूटा है वह फूट जाएगा। वाह अंकल वाह, मजा आ गया। आपको कुत्ता मेरे बाप ने बोला था। वाह अंकल वाह, मजा आ गया मजा। मारो मारो और मारो, एक बार और मारो अंकल। ए अंकल, ओ अंकल, ओ हेलो हेलो अंकल, और मारो अंकल और मारो, दे धमाक से मारो, मार मार के दे फाड़ दो अंकल और मारो।